जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि आपका फाइनल एग्ज़ाम 2 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा है और प्रथम दिन आपका यहां पर अंग्रेजी और साइंस का एग्ज़ाम है जो कि 2 तारीख को हो। इसके लिए जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप देख लीजिएगा बच्चा, एक एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो आज हम करने वाले हैं संस्कृत का सेट 2। सेट 1 मैंने पहले ही दे दिया है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा बच्चा। संस्कृत का फाइनल एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 2 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चंस है। एक एक प्रश्न आपको नोट करना है और हो सकेगा तो आप इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिएगा। पहला प्रश्न दे रखा है, वन राजा का अस्थि, वन राज कौन था? यहाँ पर आपने नाम यहाँ पे पढ़ा है द्वितीय पाठ, ठीक है, जिसमें भास्रुका जो है उससे यह प्रश्न आया है। तो वनराज कौन है, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर का होगा सिंहा, जो शेर है वो वनराज है, यानी जंगल का राजा शेर है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, कोलाहलेन पदे का विभक्ति, कोलाहलेन पद में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय तृतीय या चतुर्थी? तो कोलाहलेन इसमें तृतीय विभक्ति है, तो ऑप्शन सी सही होगा, तृतीय विभक्ति। तीसरा प्रश्न है, सरिता सलीले का सेलति, विकल्प दिया गया है नौका पत्रम पुष्पम व्याग्रा, यहाँ पर सही उत्तर पहला होगा नौका, सरिता सलीले नौका सेलति। अगला प्रश्न, मंदा का गच्छति कौन धीरे धीरे जाता है, अश्वा मृगा व्याग्रा उष्ट्रा, यहाँ पे सही उत्तर डी होगा उष्ट्रा, जो ऊंट है वो धीरे धीरे जाता है, डी विकल्प एकदम सही है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, काह कपोता यक्ति सत्तुम यच्छति, विकल्प दिया गया है सेन शयन आखेटक सर्पा मयूरा, बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा बच्चा, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको जल्दी से बताना है। बिल्कुल सही, सेना, ऑप्शन पहला ही सही है, सेना। छठा प्रश्न यहाँ पर है, कति ऋतव भवंती, कितने ऋतु होते हैं, षड सप्त पंच या अष्ट, बताइएगा। आप पढ़े हो सप्तम पाठ, उसमें सप्ताह वर्ष ऋतु इत्यादि के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अष्ट, 8 ऋतु होते हैं। सातवां प्रश्न है, तीथो पदे का पदम विभक्ति, यहाँ पे जो तीथो पदे है इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी सप्तमी तृतीया चतुर्थी, जल्दी से बताएंगे बच्चा। बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर बी होगा, सप्तमी विभक्ति है। आठवां प्रश्न है, के सत्पुरुषा इव आचरंती, वृक्षा पुरुषा पुष्पाणी मित्राणी, बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, वृक्षा होगा, वृक्षा सत्पुरुषा इव आचरंती। नौवां प्रश्न है, पुष्पेशु के वसंती, कीटा भ्रमरा सर्पा वानरा, बताइए यहाँ पर पुष्पेशु के वसंती भ्रमरा, सही उत्तर बी होगा भ्रमरा। सबरी कस्य पादयो पतति, सबरी किसके पैर पड़ती है, किसके पैर लगती है, बार बार उन्हें प्रणाम करती है, लक्ष्मणस्य रामस्य मुणे शिवस्य, वो राम जी के बार बार चरण पखारती है, सही उत्तर बी होगा। चलिए यहाँ के बाद अब हम करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ बच्चा आप वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। 11वां प्रश्न है, पाहना कुत्र सप्ताह पूर्व घटे जलम स्थापयति, तो इसमें लिखेंगे पाहना शरणा स्थले सप्ताह पूर्व घटे जलम स्थापयति। 12वां प्रश्न है, हरिना किम खादंती, हरिन क्या खाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चा हरिना वन घासम खादंती, हरिन जो है वो वन के घास को खाता है। 13वां प्रश्न, सेन नृपुगम्य
किम प्रोवाच, तो लिखेंगे सेना अपि नृपु नृपुमगम्य प्रोवाच राजन अयम कपोतः मम भक्ष एनम परित्यज। ठीक है, यह कपूतर जो है वो मेरा शिकार है, इसीलिए इसका त्याग कर दीजिए। अगला प्रश्न है, एकस्मिन् मासे कति पक्षा भवन्ति, एक मास में कितने पक्ष होते हैं। तो इसमें लिखना है एकस्मिन् मासे द्वे पक्षा भवन्ति, एक मास में दो पक्ष होते हैं। ठीक है, आप पढ़े भी हो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15वां प्रश्न, का हंस मध्य ना शोभते, तो यहाँ पे लिखेंगे बका हंस मध्य ना शोभते। 16वां प्रश्न, वृक्षा कथम फलंती, वृक्ष में क्या क्या फलते हैं। तो वृक्षा मूलानि भूमे रसम गृहीत्वा अन्य भया अव्य भया यक्षन्ति येन येते वृक्षा फलंती। ठीक है, तो चलिए ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट टू। सेट थ्री आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, आपको जुड़े रहना है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से सब्सक्राइब करेंगे और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू बच्चा।